उड़ीसा मेरे लिए मतलब आपको बताऊं कि एक तरह से आध्यात्मिक सांस्कृतिक, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि जो उड़ीसा से सूर्य की रोशनी निकली वो पूरे देश को प्रज्वलित करती रहे। यह भगवान जगन्नाथ की धरती है, यह जहाँ लिंगराज टेम्पल है, जहाँ के संत कवियों की परंपरा है, जहाँ एक से एक बढ़कर फ्रीडम फाइटर्स हुए, और जो प्रदेश अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने गौरव को लगातार मजबूत करता रहा। तो मेरे मन में उड़ीसा को, उड़ीसा की संस्कृति को, उड़ीसा की आध्यात्मिक परंपरा को लेकर बहुत सम्मान है, और मैं प्रायः उड़ीसा आता रहता हूँ। जब हमारे यहाँ आपको याद होगा लिंक पैट्रियट, ये कम्युनिस्ट और समाजवादी साम्यवादी विचारधारा, तो बुर्जुआ अखबार कहते थे, जूट प्रेस कहते थे, पूंजीपति का अखबार कहते थे, पर उसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सारा सर्व किया। याद रखिए, आपकी व्यक्तिगत राय, हमारी व्यक्तिगत कोई राय अपनी अलग है, उसके अनुसार कोई व्यवस्था काम नहीं कर रही, तो उसको हम कुछ भी कह दें, यही इस देश में आजादी है, यही लोकतंत्र है। और जब तक यह चल रहा है, आप कैसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि इस पर कोई पाबंदी है? आप कह रहे हैं, मीडिया को इस तरह का विशेषण दे रहे हैं, और वो सर्कुलेट हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, यही तो आजादी है। क्या 75 में एक शब्द खिलाफ कोई कह सकता था आपातकाल? तो फ्रीडम आज है कि तब था, ये सोचना चाहिए। जब देश में उदारीकरण आया 91 में, तब से बड़ी पूंजी हर जगह जाने लगी, और उसके पहले भी हमारे हिंदी में बहुत बड़े पत्रकार हुए पराड़कर जी, मूलतः मराठी थे, पत्रकार सम्मेलन के अध्यक्ष थे। 52 में उन्होंने कहा था कि भविष्य में बड़े घराने आएंगे, अखबार बहुत सुंदर और आकर्षक बन जाएंगे, पर उनमें सत्व तो नहीं रहेगा। दरअसल सिर्फ अखबार को ही मत कहिए और व्यवस्था को, विचार के आधार पर, पहले समाज विचार से संचालित होता था, आज समाज विचारों से नहीं, कई जगह आप देखेंगे निजी स्वार्थ की प्रेरणा भी काम करती है। मैं देखता हूं बहुत सारे कॉलेजेज, बहुत सारे कॉलेज में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, पर बहुत सारे कॉलेजेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर पढ़ाए सरकारी तनख्वाह लेंगे, ऐसे लोग हैं या नहीं समाज? हाँ, आप देखें देश में बड़े पैमाने पर, महीने भर की खबर निकालें, हर राज्य में आपको मिलेगा कि बड़ों बड़े पदों पर अधिकारी हैं, पर उनके घर से छापेमारी में करोड़ों और अरबों मिल रहा है। तो दरअसल जो गांधी के जमाने में गांधी जी ने जो चरित्र दिया देश को, वो राजनीति को दिया, पत्रकारिता को दिया, कानून को दिया, नैतिक ताकत दी, हम सबके जीवन में चरित्र और नैतिक ताकत का असर था। मैं कहा आपको कि देश के सबसे पिछड़े गांव से मैं आता हूं, पर हमारे गांव में भी कोई गलत ढंग से धन कमा लेता था तो समाज उसको गलत नजर से देखता था। आज वही समाज, कहीं से आप धन कमा लें किसी तरह से, तो समाज आपको, आपने अनाचार करके, गलत करके, गलत रास्ता अपना करके धन कमाया, ये नहीं देखता। आपके पास धन है वो उसको पूछ रहा है। ये जो वैल्यूज बदले हैं हमारे समाज के, वो वैल्यूज दो ही जगह से बनता है, स्कूल से और घर से। हमारे वो बंधुदास जी ने सबसे पहले स्कूल भी खोला था, लोगों को याद, स्कूल बदलती ही चीज है, स्कूल बदलता है मानस को। तो हम लोग आज देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ भी किसी के बारे में कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर बुनियादी रूप से जो समाज में नीचे से चीजें बदलनी चाहिए, उसके लिए हमारी पहल कैसे हो, इस पर हमें कोशिश करनी चाहिए सोचने की। चरित्र की वापसी, ईमानदारी की वापसी, गलत करने वालों के प्रति एक नफरत। हम जब तक समाज के स्तर पर इन वैल्यूज को, जो उन हमारे आजादी की लड़ाई के महान लोगों ने दिखाया, नहीं अपनाएंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान, सरकारें आएंगी और जाएंगी,